है गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल के साथ। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक अपने लर्नर के साथ और देखेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही है और उनकी जर्नी से आप क्या जो है सीख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं लर्नर्स को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जो जर्नी कैसी रही। ओके सर, आई एम एक्चुअली फ्रॉम ओडिशा। माई नेम इज़ विश्वजीत एंड आई हैव डन MSc इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ओके, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप भी किया था 6 महीने मर्क लाइफ साइंस। ओके, तो इंटर्नशिप में आपका प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट कुछ नहीं था, बस रूटीन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। तो आप जो है कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं? सी सर नेट JRF क्वालिफाइड है। कौन सा ईयर आपका? 23 दिसंबर 23। दिसंबर 23। तो व्हाट वाज योर रैंक? 75। ग्रेट। तो JRF आपने क्वालिफाई किया, तो डेफिनेटली बहुत मेहनत तो लगी होगी उसमें। बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसी थी कि आप कितने महीने आपको लगे लगभग क्वालिफाई करने में प्रिपरेशन के लिए? एक्चुअली सर, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग व्हेन आई जॉइन द इंटर्नशिप। ओके, बट बिकॉज आई वाज डूइंग इंटर्नशिप एंड इट वाज टेकिंग टू मच टाइम फॉर मी, सो इट वाज वेरी हार्ड टू क्रैक दैट एग्जाम, बट आई केम वेरी क्लोज दैट टाइम। एक्चुअली इट वाज 96%, सो आई थॉट आई शुड लीव दिस इंटर्नशिप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम सोली ऑन दिस एग्जाम ओनली। तो उसके बाद मैंने कोशिश करा कि 6 महीने बस CSR के लिए ही दे। तो फिर उसके लिए प्रिपेयर शुरू किया और मुझे पहले ऐसे लगा कि जो रिवीजन और रिकॉलिंग में जो डिफरेंस है उसको रियलाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। रिवीजन तो सब कर लेते हैं लेकिन रिकॉलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने जब कोई लेक्चर देखा, लेक्चर पढ़ा, उसके बाद खुद से रिकॉलिंग करने की कोशिश की बहुत बार, और एक हफ्ते के बाद फिर से रिकॉलिंग करना, फिर नोट लिखना। तो ये सब प्रोसेस एक्चुअली मुझे हेल्प किया कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर एक स्टूडेंट जो है 6 महीना ढंग से मेहनत करे तो क्रैक कर सकता है एग्जाम? चार से छः महीने अगर पूरा इसी CSR के लिए प्रिपेयर करे तो और कुछ मतलब जैसे कोई बच्चे कोशिश करते हैं कि MSc के साथ प्रिपेयर करे, लेकिन वो शायद टैलेंटेड है, हमसे उनका हो जाता है, लेकिन सबका टैलेंट सेम लेवल नहीं होता है, किसी को हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। तो हार्ड वर्किंग करते हैं तो हो जाता है। तो जैसा आपने बोला रिवीजन और रिकॉलिंग में थोड़ा डिफरेंस है और दोनों में से रिकॉलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप भी मानते हैं? तो आपने अपनी रिकॉलिंग कैसे करी थी? जैसे जब लेक्चर देखता था मैं, तो उस टाइम पे मैंने नोट नहीं बनाता था, क्योंकि अगर नोट बनाओगे और लेक्चर देखोगे एक साथ तो शायद थोड़ा थोड़ा लेक्चर मिस हो जाता है। तो एक बार मैं लेक्चर देख लो, उसके बाद खुद से नोट बना सकते हो, लेक्चर देख के नोट बना सकते हो, लेकिन उसके बाद खुद से रिकॉलिंग पूरे जो भी लेक्चर से पहले से एंड तक जो भी तुमने सुना है तो सब कुछ खुद से रिकॉलिंग करने की कोशिश करो। तो रिकॉलिंग, अच्छा, किसी कई लोगों को रिकॉलिंग कर किसी कॉन्सेप्ट के लिए 10 बार रिकॉल करना पड़ जाता है। तो आपने लगभग एक टॉपिक को अच्छे से मतलब दिमाग में बैठ जाए उसके लिए आपको लगभग कितनी बार रिकॉल करना पड़ रहा है? सर देखिए, जैसे कोई साइकिल होता है, कोई प्रोसेस होता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री में होता है, तो उसको अगर अच्छे से याद रखना है तो शायद 4-5 बार उसको रिविजन करना चाहिए और उसको लिखना भी चाहिए कि याद रहे, क्योंकि नाम होता है ना वो मिस हो जाता है। ऐसा लगता है इजी है, लेकिन जब उसको रिकॉलिंग करने की कोशिश करता हूँ एग्जाम में तो वो छूट जाता है माइंड से। राइट। तो इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कितना समय दिया था और क्या सोर्सेज यूज किए थे आपने? जैसे आपके लेक्चर थे जेनेटिक्स से, आपके लेक्चर ही काफ़ी थे जो भी न्यूमेरिकल से अप्रोच है, क्योंकि जेनेटिक्स आप जितने भी पढ़ा रहे थे लेक्चर्स को जो न्यूमेरिकल है उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उसकी POI की भी प्रैक्टिस करते थे। तो उस टाइम पे उससे प्रैक्टिस किए, फिर एक मॉक टेस्ट भी मैंने लिया था एक्सटर्नल सोर्सेज से, जैसे वीकली टेस्ट होता है उसको भी लिया था, तो उसको भी करके वो भी हेल्पफुल रहा। तो आप जैसे हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है कि जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता तो वो कांस्टेंट फेज में प्रिपरेशन नहीं होती। कभी कभी किसी दिन अच्छे से पढ़ाई होती, किसी दिन मन ही नहीं होता पढ़ने का, या बहुत कम पढ़ाई होती। आपके साथ भी ऐसा रहा? ऐसे होता था सर एक्चुअली, लेकिन कुछ टारगेट सेट करना पड़ता है, जैसे एक हफ्ते में कुछ इसी एक यूनिट को कंप्लीट करना है, ऐसे अगर टारगेट रख सकते हो और 1-2 दिन अगर भी मन नहीं करता है पढ़ने के लिए तो यू कैन लाइक रिलैक्स कर सकते हो, खुद को टाइम दे सकते हो कि इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि आज ही पढ़ना है मुझे, अगर मन नहीं कर रहा है तो ऐसे कर सकते हो कि मैं आई विल
कवर दिस दिस यूनिट इन नेक्स्ट डे. एंड ऐसे बोलने से नहीं होता है, उसको करना भी करना पड़ रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सोच रहे हैं और उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो फिर लोड बढ़ता चला जाएगा. राइट. तो इन सब के दौरान जैसे क्या पूरी टाइम आप सिर्फ स्टडी करते थे या कोई ब्रेक लेते थे, कुछ पर्सनल चीजें भी करते थे, वीकेंड्स पे कभी मूवी वगैरह देखते थे या सिर्फ स्टडी? मतलब नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्त भी थे एक. हाँ. मेरे साथ था लेकिन साथ नहीं रहते थे, लेकिन हम कोशिश करते कि वीकेंड पे जाके क्रिकेट मैच खेलना. okay. और कहाँ पे घूमना, मूवी भी जाते थे. एक दो मूवी गए थे उस टाइम पे. तो हॉबीज तो थे, जैसे फोटोग्राफी था, जैसे वर्ल्ड कप भी उस टाइम पे चलता था तो भी वो भी देख रहे थे. मतलब आप अपनी नॉर्मल लाइफ को एकदम एक्सप्लॉइट नहीं किए थे, मतलब उसको जी रहे थे, साथ में आप प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस रहे से दूर रहते थे. हाँ. तो आपके पास टाइम पूरा था, आप उसको सही से रिकॉल मतलब यूज कर रहे थे. तो आप जो है अभी कहाँ कहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है जो है आफ्टर JRF? JRF के बाद मैंने एक्चुअली अप्लाई किया है, लेकिन BHU में पहला इंटरव्यू है. अच्छा, IHU. तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब यहाँ पे? इट वाज गुड एक्चुअली. सर हमने गलती से एक फॉर्म भर दिया था कि उसको फुल टाइम रेगुलर में भर दिए थे, लेकिन हमारा JRF है एक्चुअली वो गलती हो गया था, थोड़ा उसकी वजह से भागना पड़ा सुबह से बहुत, लेकिन फाइनली इंटरव्यू हो गया. ओके. तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरीके से थे? इंटरव्यू में क्वेश्चन वो थे कि फॉर्म भरना था, तो उसकी फॉर्म के हिसाब से अपने रिसर्च इंटरेस्ट जो भी भरा है, तो जो कमिटी थे उसी जो टॉपिक आपने चूज किए उससे क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड. जैसे मैंने सोच किया था प्रोटीन इंजीनियरिंग. okay. तो वो भी पता पूछ रहे थे कि इफ यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस एंड अगर नहीं है तो थियोरिटिकल नॉलेज होगा तो आप इस प्रोसेस को कैसे करोगे, उसको आपने अप्रोच दो या आप जानते हो कोई टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड है इसको. मेथोडोलॉजी जो है बेसिक उसी पे कि आप कोई भी अब आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप उसको कैसे जो है लीड करोगे, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को करोगे. राइट. तो ज़्यादातर ये चीज़ तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में अभी ऐसे ही पूछा जा रहा है कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट क्या है उसको आप कैसे परफॉर्म करोगे. आपके पास एक आउटलाइन होना चाहिए कि मैं पहले इस प्रोटीन को आइसोलेट करूंगा, फिर ये टेक्निक स्टडी करूंगा, फिर उसको कैसे, पूरा स्टडी एक मेथड होना चाहिए जिसको हम एक SOP के तौर पे भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है क्या क्या होना चाहिए. तो अच्छा, रिसर्च प्रपोजल या SOP क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर जगह पे या कोई मांगा गया था या नहीं मांगा गया था? BHU में SOP की जरूरत नहीं था. लेकिन बाकी जैसे IIT दिल्ली है, कानपुर है, उन्होंने SOP मांगा था. SOP मांगा था. तो वो उसी बेसिक चीज पे आपका देखना चाहते हैं कि आप प्रोटोकॉल कैसे बनाते हो, क्या चीजें रिसर्च एप्टीट्यूड चेक करते हैं. एग्जैक्टली. तो आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है मोस्टली काम करने का फ्यूचर में? एक्चुअली एपिजेनेटिक्स मोस्टली, एपिजेनेटिक्स एंड दिस जीन साइलेंसिंग, दीज आर द टेक्निक्स आई एम. तो एपिजेनेटिक्स और जीन साइलेंसिंग तो एक काफी जैसे एडवांस्ड कह सकते हैं आपको, काफी हार्ड टॉपिक भी है. तो अच्छा है क्योंकि आजकल का काफ़ी थेरेपी जीन साइलेंसिंग पे बेस्ड होता है. राइट. क्योंकि कई सारे जीन्स जो कि ओंकोजेनिक हो जाते हैं अगर हम उनको साइलेंट कर देते हैं तो वो काफ़ी कैंसर को ट्रीट भी किया जा सकता है. दैट्स गुड. तो आप क्या फ्यूचर में साइंस वाले फील्ड में साइंटिस्ट वाले पोस्ट पे जाना चाहोगे या प्रोफेसर एकेडमी की? साइंटिस्ट वाला एरिया आप चूज करोगे? तो फिर उसके लिए तो काफ़ी मेहनत लगेगी और इंडिया में आप जान ही रहे हो कि उस चीज़ के लिए. तो आपका कभी फॉरेन जाने का भी प्लान है या सिर्फ इंडिया में रहना है? एक्चुअली मेरे एक भाई है, वो भी फॉरेन से PhD किए हैं, पोस्ट डॉक किए हैं. तो आई हैव लाइक इनपुट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस भी है, मतलब कैसे एक्सपीरियंस उनका रहा. और मुझे पता है मुझे मेरा प्रोफेसर जो थे वो पोस्ट डॉक और PhD इंडिया में ही किए हैं. तो ऐसे कोई नहीं कि जरूरत है फॉरेन जाने की, लेकिन अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आए, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आए तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ. हाँ बिल्कुल, मतलब ये कोई एसेंशियल नहीं कि फॉरेन ही जाना है, लेकिन आप अगर बेहतर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो हम एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं उस चीज़ को. राइट. सो इन सब के अलावा जैसे आप पर्सनल लाइफ में कैसे, मतलब आप जो है ज़्यादातर घुलना मिलना पसंद करते हैं या किस तरीके से आप? एक्चुअली जब से मैं बचपन से मैं बस इंट्रोवर्टेड रहता हूँ. अच्छा. इसके लिए फेमस हूँ घर में, जो इंट्रोवर्टेड रहता हूँ इसीलिए. तो घर में सभी लोग ऐसे हैं कि नहीं, आप? नहीं, नहीं, हाँ. बाकी सब मतलब एक्स्ट्रोवर्टेड है बस मैं. तो आपके फादर जी क्या करते हैं? वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे. ओके. और मम्मी हाउसवाइफ है? मम्मी हाउसवाइफ. तो आप कितने सिबलिंग्स हो घर में? एक बहन है, एक बड़ी बहन. अच्छा. और मैं. लेकिन हमारे जॉइंट फैमिली है तो तीन भाई है, हमारे पापा के तीन भाई है. अच्छा. तो सबके एक एक बेटा एक एक बेटी है. तो मतलब घर में जो है वो कैसा माहौल रहता है? घर में जैसे फैमिली के माहौल होता है बहुत अच्छे होते हैं. जैसे
कभी कभी बाहर रहते हैं, एक फैमिली बाहर रहते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल होता है तो सब आ जाते हैं घर, तो उस टाइम पे माहौल अच्छा रहता है। और मैं भी बाहर पढ़ता था तो जब भी फेस्टिवल होता था मैं भी घर में जाता था, तो स्पेशल फील होता था घर में। कई बार क्या होता है ना, कई बच्चों को मैंने देखा हुआ है, जैसे मैं खुद बाहर रहा हूँ, दिल्ली में 6 साल रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि आप जब बाहर रहते हो तो आपको बाहर की दुनिया ज्यादा अच्छी लगने लगती है, और घर फिर आपको लगता है जेल जैसा होता है, ऐसा फीलिंग आता है क्या, जेल है घर? बिल्कुल ऐसे फील होता है, जैसे अगर कुछ, जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा था, 2 साल से नहीं हो रहा था जेआरएफ, जैसे एमएससी के टाइम पे किया था और एमएससी के बाद 1 साल किया था, तो ऐसे फील होता था घर जाके कि शायद बर्डन जैसा ना लगे सबको कि मैं घर पे रह रहा हूँ, तो बाहर रहना थोड़ा फ्री लगता है जैसे घर से। तो अगर आप जो है घर और बाहर दोनों जगह प्रिपरेशन करना हो तो आप बाहर प्रिफर करोगे, क्योंकि आपको टाइम पूरा का पूरा मिलता है। तो जैसा कि अगर मतलब आप पर्सनल लाइफ में आपके कुछ हॉबीज हैं जो आप परफॉर्म करते हो खुद के लिए या ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए खुद को? फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है सर, और मैं मूवीज लवर हूँ, बहुत मूवीज देखता हूँ, जैसे फॉरेन मूवीज है और फोटोग्राफी। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वार है। ओके, तो एवेंजर्स वगैरह आप देखते हैं? आप इंसेप्शन देखा है आपने? यस सर। कैसी लगती है आपको? लाइक 4 times आई हैव सीन। समझ में आ जाती है? फर्स्ट टाइम तो समझ में नहीं आया उसको, तो दो तीन बार देखना पड़ता है। एक ऐसी मूवी जो अच्छी, काफ़ी अच्छी है, मतलब दैट्स नाइस। तो इस सब के अलावा जैसे आप फोटोग्राफी करते हो, तो आप जो है उसको कब, आपको कब मौका मिलता है ये फोटोग्राफी वगैरह करने का? फोटोग्राफी जैसे फोन में ही कर सकते हैं, जैसे कैमरा नहीं है। जैसे कल हम गए थे बनारस, तो बहुत सारे फोटो खींचा मैंने। और जब भी कुछ अच्छी चीज़ देखता हूँ, जैसे स्काई वगैरह, कोई घूमने जाता हूँ कहाँ पे ट्रिप पे, तो बहुत फोटो खींचता हूँ, जैसे फोटोग्राफर हो जाता हूँ सब दोस्त का। तो कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप कभी फेल हुए हो, ऐसा लगता हो कि यार यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ सकते? कभी ऐसा होता है लाइफ में, हमारे पास ऐसा फेज आता है कि जहाँ पे हमें लगता है सब खत्म सा हो रहा है, तो वहाँ से आप कभी, आपके लाइफ में ऐसा फेज आया है, और अगर आप वहाँ से निकले हो तो क्या आपके अंदर चल रहा था और कैसे आप वहाँ से निकल पाए? तो जब बीएससी से पहले ज्वाइन करने से पहले नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उस साल, तो उस साल जब नहीं हुआ था तो ऐसे लग रहा था एक्चुअली सर कि क्या करूँगा, अगर फिर से कोशिश करूँगा इस और 1 साल के कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए कोचिंग कर लेना पड़ता है, उसके लिए पैसे भी देना पड़ता है बहुत, तो शायद फैमिली के ऊपर ज़्यादा प्रेशर तो क्या करें, उस टाइम पे थोड़ा ऐसे फील हो रहा था डिप्रेशन में। तो उससे निकलने के लिए आपने क्या किया सर? तो निकलने के लिए दोस्त की सहारा जरूर था, तो मेरे साथ एक्चुअली बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले मेरे ज़िंदगी में, तो उनकी साथ, उनके हौसले एक्चुअली ऐसे कुछ ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे नहीं डाला, तो मैंने जो भी कोशिश है, जैसे मेरे भाई है उनकी इन्फ्लुएंस भी था, तो मैंने कोशिश किया कि उसको पीछे छोड़ के अलग रास्ते भी जा सकते हैं हम, तो अलग रास्ते मैंने चुना, और उसके बाद मैंने नेट के लिए प्रिपेयर करा, क्योंकि साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी होता है इंडिया में राइट। तो इसके अलावा आपने गेट क्वालिफाई भी किया है CSIR के साथ साथ, तो आप अपने गेट के बारे में कुछ बताना चाहें? CSIR के बाद ही गेट क्वालिफाई किया 2024 का, तो CSIR के लिए मैंने पढ़ा था, तो इतना भी कोशिश नहीं करना, कुछ स्पेशल गेट के लिए कोशिश करना नहीं पड़ा, लेकिन बस 1-2 महीने की रिविजन की जरूरत था, जो भी मैंने पढ़ा था उसको अच्छे से रिविजन किया और गेट के लिए अपीयर हुआ और अच्छे से पास। क्योंकि कई सारे बच्चों के साथ ये कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें जो है, उन्हें लगता है CSIR के लिए पूरी अलग से तैयारी करनी है, गेट के लिए पूरी अलग से, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा मैच होता है, तो अगर जो बंदा CSIR कर रहा है वो गेट और CSIR साथ में कर सकते हैं, है ना? तो उनका क्या कंबाइंड अप्रोच होना चाहिए कुछ अगर आप बताना चाहो तो? गेट के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको अगर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, जैसे नॉर्मलिटी वगैरह जो फंडामेंटल प्रोसेस होता है उसको अगर थोड़ा सा अच्छे से इंडिविजुअल फोकस दे सकते हो, और उसके बाद भी तुमने अगर पढ़ा है CSIR के लिए तो वो बहुत काफ़ी है एक्चुअली CSIR जो गेट क्वालिफाई करने के लिए। तो ये मतलब आपने काफ़ी कुछ सीखा, मतलब काफ़ी कुछ देखा, और अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट कि आप कोई अच्छा इंटरव्यू, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं PhD के लिए। आप अपनी पूरी लाइफ को, अपनी स्ट्रेटजी को सम अप करके, अगर आप जो लर्नर्स हमारे अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या जस्ट शुरू किया है या करने वाले हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहें कि वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेके आगे बढ़ सके, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके साथ? हाँ सर, जरूर। देखिए, जैसे सबके टैलेंट लेवल सेम नहीं होता है, किसी बच्चों का टैलेंट बहुत अर्ली आता है, किसी का लेट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे पीछे रह गए। अगर लेट भी हो रहा है, अगर हार्डवर्किंग हम करते हैं तो सक्सेस तो ज़रूर आएगा,
और अपना जो इंस्पिरेशन है, अपना जो हौसला है, उसको बनाए रखना ज़रूरी है। और जो भी फंडामेंटल प्रोसेस है, जैसे पढ़ो और उसको रिकॉलिंग करो, उसको रिवीजन करो, ये तीनों प्रोसेस होता है, उसको जितने बार अच्छे से करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो अपने लिए इजी हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, सभी के सभी, जैसे कहते हैं इंसान की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर इंसान का अपना अपना टैलेंट होता है। एक्सप्लोर योर टैलेंट, एक्सप्लोर योर स्किल्स, और उस स्किल्स पे काम करो, क्योंकि आप कभी भी सचिन तेंदुलकर को जो है वो सिंगिंग में नहीं डाल सकते और लता मंगेशकर जी को क्रिकेट नहीं सिखा सकते। सबका अपना टैलेंट है, तो आप अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज करो कि आप क्या ज़्यादा कर सकते हो। आप लिख के पढ़ सकते हो, आप रिकॉल करके पढ़ सकते हो, आप नोट्स बना के पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो, जो कमी है उसे इम्प्रूव करो, और अल्टीमेटली जो है आप अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। तो होपफुली कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस सेशन से। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।